नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ सिंह लगन व सिंह राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। सबसे पहले हम देखें कि सिंह लगन व सिंह राशि पर चार बड़े ग्रहों का क्या गोचर है। केतु कुटुंब भाव में चल रहे हैं, शनि महाराज सप्तम में है, राहु का गोचर अष्टम में है। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में होंगे और मई 2024 के बाद दशम में चले जाएंगे। ये चार बड़े ग्रहों की स्थिति है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिंह लगन व सिंह राशि के जातकों के लिए ओवरऑल समय कैसा है, कौन सा समय ऐसा है जब उनके काम बन सकते हैं और कौन सा समय ऐसा है जब उनको सावधानी रखनी है। तो आपका काम बनने का समय, कैरियर के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने का समय बनता है वो शुभ समय है जनवरी से 30 अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो आपको वर्ष 2024 के लिए अगर आपने कुछ भी नया काम सोचा हुआ था तो या तो आप जनवरी से अप्रैल के बीच में करिए या 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में कीजिए। इस वर्ष सबसे खास बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको मिलेगा भाग्य का साथ। और भाग्य का साथ मिलने का ये अर्थ होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कहीं ना कहीं तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमारे साथ है। कैरियर की जहां तक हम बात करें तो कैरियर में इस वर्ष आपको नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो इस वर्ष आप जॉब चेंज कर सकते हैं जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में। भूलकर भी मई से 8 अक्टूबर के बीच में जॉब चेंज ना करें। वर्तमान जॉब में आपके प्रमोशन की भी संभावना बनती है अगर आपकी कुंडली में सूर्य की, गुरु की या मंगल की, सूर्य गुरु या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो प्रमोशन की संभावना ज्यादा बनेगी। व्यापारी वर्ग है और इस वर्ष कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो नया शुरू करने के लिए समय है जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर। देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य भाव के कारक ग्रह हैं वो भाग्य भाव में बैठेंगे और आगे चलकर दशम भाव में आ जाएंगे। गुरु का दशम भाव में आना, लगन से केंद्र में होना अमला योग बनाएगा जो आपके मान सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। समाज में आपके मान सम्मान बढ़ेगी, आपका जो कार्यस्थल है वहां आपको लोग पहचानेंगे और आपके काम को पहचान मिलेगी। वर्ष में ऐसा कई अवसर सब समय आएगा जब आपके पास धन लाभ के अवसर आएंगे और विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार समय है। वो विद्यार्थी जो विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन को दे रहे हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस वर्ष तो लग के पढ़े दो दो तीन तीन चार घंटे कि किसी तरीके से इस वर्ष इस गोचर का लाभ उठाएं और उनका सिलेक्शन हो जाए। जो दंपति संतान प्लान करना चाहते हैं वो इस वर्ष संतान प्लान कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचमेश अपने भाव को देख रहे हैं और जो अपने विवाह के इंतजार में है उनका इस वर्ष विवाह भी तय हो सकता है। विवाह होने की पूरी संभावना है क्योंकि गुरु की लगन पर दृष्टि है और सप्तमी शनि सप्तम भाव में स्वराशि के गोचर कर रहे हैं। अब हम बात करें सावधानी की, सिंह लगन व सिंह राशि के जातकों को सावधानी क्या रखनी है। सावधानी का आपके पास समय आता है मई से 8 अक्टूबर। पहले तो मई से 8 अक्टूबर के बीच में आपको जॉब नहीं बदलनी, जो जॉब कर रहे हैं उसे करते रहिए और व्यापार में कोई बहुत बड़ी जोखिम लेने से बचे। इसके अलावा एक विशेष बात, आपका सिंह लगन व सिंह राशि है और वर्ष 2024 के लिए आपकी कुंडली में राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा चल रही है तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है अगर वो गोचर में अष्टम में आ जाता है तो ग्रह आपको कुछ नेगेटिव परिणाम दे सकता है। इसलिए आप उपाय के तौर पर राहु की कोई ना कोई रेमेडी करिए। राहु की रेमेडी के तौर पर आप बुधवार या शनिवार को बहते पानी में कोले प्रवाहित कर सकते हैं जिससे राहु का नेगेटिव प्रभाव कम हो। और आप हर बुधवार को 4 मूली मंदिर में दान कर सकते हैं, मूली के हरे पत्ते हटा लीजिएगा, सफेद हिस्सा दान करना है। और साथ ध्यान रखिएगा राहु अष्टम में गोचर कर रहा है, भूल कर भी किसी को पैसे उधार ना दें। वैसे भी ज्योतिष में सिद्धांत है कि अगर राहु केतु आपके अष्टम में हो जन्म कुंडली में भी तो कभी पैसे उधार नहीं देने चाहिए, पैसे कभी वापस नहीं आते, मान के चलिए पैसा डूब गया आपका। इसलिए गोचर में भी राहु अष्टम में चल रहा है किसी को पैसे उधार ना दे। और अष्टम का राहु कई बार अनिष्ट की आशंका देता है, कई बार ऐसा लगता है हम जो भी काम करने जाते हैं हमें लगता है वो काम नहीं होगा, नेगेटिव थॉट पहले आते हैं। अगर आपको लगे कि बार बार अनिष्ट की आशंका आ रही है तो आपको रात को सोते समय अपने सिराने बिस्तर के नीचे जहां आपका तकिया होता है उसके नीचे एक पानी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें एक बूंद दून डाल लें जिससे उसका कलर सफेद हो जाए। रात को सोते समय रख लें, सुबह उठते किसी पेड़ के नीचे डाल दें, कीकर में डाल दें तो बहुत बढ़िया, तुलसी में मत डालिएगा और किसी गमले में भी डाल सकते हैं तो वो पानी रात भर आपके सर के नीचे रहेगा तो आपके वो सारी टेंशन एंग्जाइटी ले लेगा। और जो आपको ये भावना आती है कि मेरे संग कुछ नेगेटिव ना हो जाए, कोई मेरे संग बुरा ना कर दे या मेरी जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या मुझे अचानक धनहानि ना हो जाए, उन सब की संभावना घटेगी। वाणी के भाव पर केतु का गोचर हो रहा है, केतु वाणी को कटु बनाते हैं। अगर आपको बार बार लगे कि आपके काम वाणी के कारण आपके काम बिगड़ रहे हैं तो आप उपाय के तौर पर हर बुधवार को फिटकरी से दांत साफ कर सकते हैं जिससे आपकी वाणी की कटुता पे कंट्रोल आएगा। इस वर्ष इनकम तो होगी लेकिन साथ ही साथ खर्चे अधिक होंगे,
खर्चों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप 3 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, 11, 11.5 रुपए का गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए और वहीं बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। ये उपाय आप 3 मंगलवार कर लीजिए। वहीं बजरंग बली से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके खर्चे कम हो जाए, तो इसी उपाय से आपके खर्चों पर रोक लगेगी। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में है तो इस वर्ष आपके कुटुंब विवाद होने की संभावना बनती है। और ध्यान रखिएगा, मई से 8 अक्टूबर के बीच में कार्यस्थल पर किसी प्रकार के अपमान की संभावना बनती है। अगर आपको लगे कि कार्यस्थल पर कोई आपको परेशान कर रहा है, काम में आपके बाधा आ रही है, कोई आपको बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उपाय के तौर पर ऑफिस जाने से पहले कच्चे घानी के सरसों का तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला लें और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। लौंग टूटी हुई ना हो। कच्चे घानी के सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाना है, उसमें 2 साबुत लौंग डालनी है, लौंग टूटी ना हो। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके निकल सकते हैं, चाहे तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, चाहे तो हनुमान जी की आरती कर लें। और उसके बाद अपने कार्यस्थल पर निकलेंगे तो किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका नहीं रहेगी, ना आपके काम में कोई बाधा आएगी, ना आपको कोई परेशान करने की कोशिश करेगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि सिंह लग्न व सिंह राशि के लिए वर्ष 2024 का जो शुभ समय है वो जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर है, और सावधानी रखने का समय है मई से 8 अक्टूबर। राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा, विशेषकर तब जब आपकी कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।